सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रॉम बीएसटी ब्लॉगर। तो भाई मैं आप लोगों के साथ आज आया हूँ कुछ नया धमाकेदार वीडियो एंड ब्लॉग्स के साथ। तो आज हमारे साथ है दो बाइक्स, वो है आपका, मैं दिखाई देता हूँ, ज़्यादा बात नहीं। तो ये रहा अपना NS160 और ये रहा मेरा बीस्ट ज्यूस। तो ये दो रहा बाइक्स। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. ये रहा अपना NS160 और ये रहा इसका ओनर राजदीप भाई। तो भाई, NS160 चला के आपको मतलब क्या क्या अच्छा लगा? बहुत क्या अच्छा फील हुआ है। अच्छा, और मतलब बहुत अच्छा बाइक है। अच्छा, थोड़ा पावर कम है, मतलब चल जाता है, ठीक है, बहुत है। इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिला और क्या अच्छा लगा? क्या तो ये सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे जो ये USD सस्पेंशन दिया है। अच्छा, हाँ, ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा वर्क करता है। ड्यूअल चैनल ABS कर दिया। हाँ, वो तो साइड में भी ड्यूअल चैनल ABS कर दिया। अच्छा, फिर जो हमारा जो लीटर टंकी का जो लीटर होता है। अच्छा, वो थोड़ा बढ़ा दिया। हाँ, वो यहाँ पर जो मीटर में, हाँ, मीटर में अभी यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर सब सब्जी सब कुछ का मतलब ट्रिप शो होता है यहाँ पर। अच्छा, कितना तक जाएगा, कितना माइलेज देगा, और यहाँ पर गियर इंडिकेटर भी शो होता है यहाँ पर। हाँ, वो तो पता है, वो 200 मील सेमी। हाँ, अभी वो कितना माइलेज देगा वो थोड़ा दिखा सकते हैं? एक सेकेंड। मैक्सिमम आपको 3.5 लीटर तेल है और आपको माइलेज मतलब अभी 190 किलोमीटर अभी भी दे सकता है। तो गाइस, ये आप चेक कर सकते हैं कि जैसे हम लोग का जो BS6 है, BS4 है, उसमें आपको वो शो नहीं होता है कि कितना माइलेज मिलेगा क्या नहीं, वो अपना ऊपर ही है कहाँ मैं इतना दूर चला सकता हूँ, इतना में वो पेट्रोल भराना है। लेकिन तो ये BS6 में ये अपने स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। हाँ, अपने ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन जो वो शो करता है उससे कोई मतलब नहीं होता है। एक आपका मतलब ही नहीं है वो, मतलब अपना ऊपर एक 190 130 140। तो भाई माइलेज और लुक भी चाहिए और थोड़ा बल्की भी चाहिए। अभी ये वाला जो NS जो निकला है, न्यू जो निकला है, वो आप ले सकते हैं 200 के अलावा। अच्छा, और वैसे तो 200 तो है ही, बहुत अच्छा है। हाँ, जो अभी BS7 निकल रहा है वो तो है, बढ़िया है, मैं वो नहीं बताऊंगा। BS7 में भी बहुत अच्छा फीचर्स है। BS6 में क्या होता है, थोड़ा ज्यादा सेंसर दिया है, और BS जो 7 है 160 हो आपका 200 हो, उसमें क्या है थोड़ा सेंसर कम कर दिया है, तो इसीलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आता है। बाकी दोनों में कंपेरिजन करें, दोनों अपने जगह पे ठीक है भाई, दोनों ही अपने जगह में ठीक है, वही। चलो ठीक है, तो फाइनली गाइस मैं अभी आया हूँ। तो मेरे साथ एक भाई भी आया है, जो दोस्त है, तो इसका नाम है रतीश भाई, रतीश घोष। तो ये हाल ही में अभी हंटर 350 लिए है, तो देख ही सकते हैं अब लोगों का सबसे पसंदीदा रॉयल एनफील्ड बुलेट हंटर 350। तो भाई ये हंटर 350 चला के आपको मतलब कैसा फील हुआ वो आप थोड़ा शेयर करना चाहते? अच्छा फील हो रहा है, मतलब ये जो है पूरा कॉम्पैक्ट है। अच्छा, सबके लिए बहुत ज़रा हैंडी होगा, कोई भी अगर बाइक लेना चाहता है रॉयल एनफील्ड। अच्छा, और अगर वो सोचता है कि बहुत हैवी होता है रॉयल एनफील्ड क्लासिक चलाना, तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बाइक है जो इजीली कोई भी हैंडल कर सकता है। जो नॉर्मली बाइक्स होते हैं उसी वैसा ही है, वेट भी इसका अच्छा, मतलब बुरा है नहीं, मतलब लाइट वेट है, ज़्यादा हैवी नहीं है, भी अच्छा है, वेट भी बहुत अच्छा है, और चलाना भी बहुत आसानी है। फिर सब थोड़ा तेल तो खाता ही होगा वो तो हर बाइक में है, वो तो होगा ही। हाँ, पावर चाहिए, माइलेज चाहिए, तो हर कोई बाइक भाई तेल खाएगा। अभी 200 cc हो या 350 cc हो, तो इस भाई के हिसाब से ये जो बुलेट है ये आप ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, ज़्यादा हैवी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अभी हम लोग सब तीन जो है निकल रहे, तो तब तक बने रहिए गाइस, हम लोग अभी निकल रहे, थोड़ा जैकेट, थोड़ा रील वगैरह शूट है, और थोड़ा जैकेट कुछ ब्लॉग के लिए भी रेडी कर रहे हैं। तो वेटिंग बाद गाइस,
मिल गया। मैं अभी आ चुका हूँ से, इधर का व्यूज नज़ारा तो कुछ ऐसा है, तो कुछ ऐसा नज़ारा है। और ये हम लोगों के साथ है सचम भाई, सचम मेरा अपना सुमित भाई, कैमरा मैन मेरा अपना पप्पा भाई और राहुल और दो, तो बने रहिए गाइस, तब तक थोड़ा फोटोशूट वगैरह हो रहा है, तो तब तक वेट एंड वॉच। तो फाइनली गाइस हम लोग बैठ गए, हम लोग मेरे पप्पा भाई देख सकते हैं। आप कुछ व्यूज देख सकते हैं, ये देखिए भाई, फाइनली गाइस अपना ब्लॉग तो हो गया आज का कंप्लीट। तो अभी ये अपना बाइक एंटोक, आगे भी NS200 है जो राहुल भाई का है। तो अभी ब्लॉग खत्म करते हुए गाइस अभी घर के तरफ निकलेंगे। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, ऐसा वीडियो और आता रहेगा भाई। आप लोग खाली प्यार दिखाइए, 1K सब्सक्राइबर के बहुत नज़दीक हो गाइस, आप लोगों का सपोर्ट एंड प्यार चाहिए भाई, प्लीज़ 1K जल्दी से करवा दो, उसके बाद एक सरप्राइज सबके लिए बाकी है, वो मैं बताऊंगा अभी नहीं। 1K सब्सक्राइबर जिस दिन होगा गाइस, आप लोग जितना जल्दी करवा देंगे उतना जल्दी एक मतलब सरप्राइज़ है पूरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली के लिए, तो उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो भाई अपना भाई को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, प्लीज़ इतना सा कीजिए और अपना प्यार दिखाइए गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद।